हाय गाइस, आज की ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रक्षाबंधन की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रक्षाबंधन पे वीडियो आने वाली है, तो आ गई। और ऐसे चमत्कार पे कमी बिलीव क्या करो, क्योंकि रक्षाबंधन और वीडियो अपलोड था इसलिए 2-3 दिन में 2 वीडियो आ गई, नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी ना थी। तो इस वीडियो में अपने रक्षाबंधन एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। इसमें मेरे साथ सिर्फ सुख घटना और सुख घटना ही हुई है, दुर्घटना आई डोंट थिंक एनी हुई है। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार होता है। मैं बस वीडियो बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ। कोई नहीं, आगे मूव ऑन करते हैं। सो देखो, मैं उन बंदों में से हूँ जो सार्वजनिक गरीब रहते हैं। हाँ भाई, सार्वजनिक गरीब, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और सार्वजनिक गरीब मतलब पूरे साल भर गरीब, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो यह जो होता है, मतलब रक्षाबंधन में मैं उन बंदों में से हूँ जो बेसिकली राखी बनवाते हैं, चॉकलेट खाते हैं और मम्मी पैसे देती है। हाँ, मैं उन लोगों में से हूँ। सो आप क्या ही कर सकते हो। और मेरी वॉइस एको हो रही है, तो मैं बड़े ही कमरे में बोल रहा हूँ इसलिए शायद से वॉइस एको। और हाँ, मैं नानी घर आया हूँ, जैसा कि मैंने बताया था। ऑफ टॉपिक में बैक टू टॉपिक। तो हाँ, मम्मी पैसे लेती हैं। लेकिन एक बार एक ऐसी चीज़ हुई थी जब मैंने खुद दिया था गिफ्ट। सो यह वो मैं बताता हूँ। बेसिकली मेरी दीदी ने मेरे को दिए थे 500 रुपये, वो अलग टॉपिक है कि क्यों दिए थे, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। हाँ, तो मेरी दीदी ने दिए थे मेरे को 500 रुपये, तो उससे मैंने इरेजर खरीदी थी दोनों दीदी के लिए। तो हाँ, शॉपकीपर ने घपला कर दिया था, 75 की 100 में दे दी थी। तो यार थोड़ा हुआ यार। और लिटरली मैं घर आया, मैंने इतना समझाया कि मैं अपने लिए आया हूँ सरप्राइज देने के लिए, प्रॉमिस दे के निकलवा लिया। भाई बच्चा है, सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन नहीं यार, पता नहीं क्या बोलूँ भाई, सिर दर्द हो रहा है। सो हाँ, और मैं आज एक्सपेंड ही क्या कर सकता हूँ वीडियो को, जो भी मेरे को इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे मेरे वो मैंने बता दिया। सो या अगर आप बोलोगे तो मैं नानी घर का छोटा सा व्लॉग भी लाऊंगा, इतना कुछ है नहीं यहाँ पे देखने लायक। सो या, और अब मैं क्या ही कर सकता हूँ वीडियो एक्सटेंड करने के लिए। होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो। एंड हाँ यार, मतलब बेचारे बच्चे की फीलिंग तोड़ दी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे यारा।